वेलकम टू द किचन स्टोरी बाय ममता। हम लोग को एकदम इजी स्नैक की रेसिपी की हमेशा ज़रूरत पड़ती है और हमने बनाया है इसमें पोहे के एकदम क्रिस्पी कबाब, जो ऊपर से तो एकदम करारे हैं पर अंदर से ये एकदम सॉफ्ट है, जिसको हमने पोहे से बनाया है। और ये सुबह के नाश्ते हो चाहे शाम के चाय के समय, ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है। आप ज़रूर एक बार पसंद आए तो ट्राई करें। ये देखिए ऊपर से एकदम क्रिस्पी है और अंदर से एकदम ये सॉफ्ट है। इसे आप राइस बॉल की तरह ही भी बना सकते हैं। और ये देखिए हमने चटनी के साथ इसे और भी टेस्टी बनाया है। इसमें हमने दो एकदम मीडियम साइज के बॉयल आलू को मैश कर दिए हैं। चाहे तो आप इसको ठंडा करके कद्दूकस से भी एकदम फाइन कद्दूकस कर सकते हैं, पर ये गरम में बहुत आसानी से मैश भी हो जाता है। इसके बाद हमने थोड़ा सा इसमें पनीर को भी ऐड किया। पनीर को हमने अच्छे से कद्दूकस कर लिया, जो क्योंकि कद्दूकस करने से ये एक बराबर इसमें अच्छे से मिक्स हो जाता है। सारे पनीर को भी हमने करीब दो आलू में, बॉयल आलू में हमने 50 ग्राम पनीर को कद्दूकस किया था। ये देखिए एकदम फाइन अच्छा कद्दूकस इसमें हो गया है। और थोड़े से हमने न्यूट्रेला चंक को स्टीम कर दिया 8-10, और थोड़े से हमने ब्रेड को उसमें साथ में ही मिक्सी में पीस डाला था। और पोहे को हमने 10-15 मिनट के लिए धो करके रख दिया पानी से, और ये एकदम सॉफ्ट हो गया पोहा। इसके बाद थोड़ा सा हम इसमें धनिया पत्ता इसमें मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हमने ग्रीन ऑनियन जो पत्ते वाली होती है उसको एक बार मिक्सी में चलाया, और हरी मिर्च जिंजर गार्लिक को भी एक पेस्ट बना लिया है, और सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये पोहे की रेसिपी बहुत ही हेल्दी और अच्छे टेस्ट के बनते हैं। और इसमें हम अपने अकॉर्डिंग नमक को ऐड कर लिया है और कुछ हम मसाले को ऐड करेंगे। इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून थोड़े से हमने देगी लाल मिर्च को भी ऐड कर लिया है, और थोड़े से हमने धनिया 1/2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून जीरा और 1/2 टीस्पून काली मिर्च को भी इसमें ऐड किए हैं। चाहे तो आप थोड़ा से इसमें गरम मसाला को भी ऐड कर सकते हैं। ये सारे मिक्स होने के बाद हम इसको अच्छे से पूरे मिक्स कर लेंगे। ये पोहे की रेसिपी कभी भी आप बना करके खा सकते हैं। इसको हम चारों तरफ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये एकदम सॉफ्ट अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और इसमें हमने थोड़ा सा राइस फ्लोर 1 टेबल स्पून ऐड किया। चाहे तो आप कॉर्नफ्लावर भी यूज कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। इससे चावल के आटे से ये एकदम करारे बन के तैयार होता है। ये ऊपर से काफ़ी अच्छा करारा है चावल के आटे से बनने से, तो इसे एकदम आटे के डो की तरह ही हम बना लेंगे। ये देखिए एकदम ये उसी के तरह बन गया, आटे के डो की तरह। और इसको थोड़ा सा हम इसी तरह 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, जिससे ये पूरा अच्छे से सॉफ्ट हो जाता है। और हमने जो चावल के आटे को मिक्स किया था वो भी इसके जितने भी मॉइस्चर को सोख लेता है। और इसकी छोटी छोटी हम टिक्की बना लेंगे। इसी तरह एकदम गोलाई से दबाते हुए ऐसे एकदम दबा करके एक टिक्की बनाएंगे, और ये बहुत ही बढ़िया बन जाएगा। और अब इसके बाद हम एक फ्राई पैन में थोड़ा सा या तो रिफाइंड ऑयल या मस्टर्ड ऑयल, जो भी आप चाहें,
वो ले लें और छोटी छोटी टिक्की इसकी बना करके इसमें डालें। देखिए कितना बढ़िया ऊपर से ये ब्राउन बनता है। और इसको आप धीरे धीरे पलट दें और बाकी की भी धीरे धीरे टिक्कियां बना करके इसी तरह आप डाल सकते हैं साइड में। ये एकदम चिपकते नहीं हैं और बहुत ही ऊपर से करारे भी रहते हैं। देखिए कितने बढ़िया ये एकदम एक बराबर ये ब्राउन हो करके तल लिए हम इसको। इसी तरह हम बाकी के सारे भी कटलेट को आप तल लेंगे। इसी तरह हम छोटे छोटे इसकी टिक्कियां बना करके सारे बना लेंगे। और आप चाहे तो इसे लंच में बॉक्स में मॉर्निंग में चाहे किसी इवनिंग ब्रेकफास्ट में आप चाय के साथ इसको ले सकते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया ये बनके तैयार होता है। आप एक बार ज़रूर इसे बना करके इस रेसिपी को ट्राई करें। ये ऊपर से जितने ही करारे हैं और अंदर से उतना ही सॉफ्ट होते हैं। चाहे तो आप इसमें चीज़ ऐड कर सकते हैं और चाहे तो आप इसमें एक रोटी बना करके इसके अंदर के कटलेट को ऐड करके एक नई रेसिपी बना सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।